हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्लास टेंथ में रियल नंबर हम लोग चैप्टर को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने इसका फर्स्ट लेक्चर अब हमने देखा था। तो आपने यदि फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ओके, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो इससे पहले मैं रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है, उसके बारे में बता था, जिसमें लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैंने पढ़ा था। और हम लोग अब इस लेक्चर में हम लोग वह टॉपिक को कवर करेंगे जो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे हमें इस चैप्टर में क्या क्या रियल नंबर्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है। डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रेशनल नंबर, जिसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, आई मीन लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था डेसिमल के बारे में, जो कहाँ होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है और एक क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसके बारे में मैंने इसका रिवीजन लेक्चर में डाला था, एक अलग से वीडियो भी है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोनों एक ही में है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो का भी लिंक मैंने क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। ओके, और थर्ड पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड फोर्थ पढ़ना है प्रूफ बेस्ड इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग क्या करना है स्टडी करना है। ओके, मतलब हमें इस रियल नंबर में हमें इतने सारे टॉपिक को क्या करना है कवर करना है। और आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को तो हम इस टॉपिक को तो पढ़ चुके हैं, आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा के बारे में क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, वो हम लोग आज फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। बाबू, आपने क्लास 8 में और 7th में, मतलब आपने चाइल्डहुड में पढ़ा होगा कि डिविडियन इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडर कोसेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर होता है। इसी चीज का यूज करके हम लोग क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, हम लोग क्या करेंगे इसका हम यूज करेंगे। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बाबू इसका। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख लो। ओके, अब वह देखिए इस चीज को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स ए क्या हुआ डिविडेंड का वर्क करेगा, बी किसका वर्क करेगा डिवाइडर का वर्क करेगा, क्यू किसका करेगा कोसेंट का करेगा और आर किसका करेगा रिमाइंडर का करेगा। जहां पे क्या होगा जीरो लेस देन इक्वल किसके होगा आर के और लेस देन किसके होगा बी के। मतलब इसका क्यों, इस बात को समझ लो बाबू कि ए, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि ए क्या हुआ डिविडेंड का वर्क करेगा, बी किसका करेगा डिवाइजर का करेगा और क्यू किसका करेगा कोसेंट का करेगा और आर रिमाइंडर का करेगा। ओके, और यहाँ पे देखोगे जो रिमाइंडर जो होगा वह क्या करेगा जीरो से लेस देन इक्वल क्या होगा आर और लेस देन किससे होगा बी क्या। अब इस चीज का हमको क्या करना है, हमें यूज करना है। ओके, इस पे एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से आप इसको क्या करोगे आप अच्छी तरह से समझ लोगे। ओके बाबू, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ बाय मेथड ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा एग्जांपल देख लो 455 और 42 का। ओके, यहाँ पे एन लगा दो। तो जैसे आपने 455 42 का ऐसे इससे आप अपने चाइल्डहुड बचपन में आपने निकालते होगे, फाइंड आउट करते होगे, तो कैसे करते हो 42 4 5 5। आई थिंक आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज क्या आप जानते हो। तो 42 को 10 टाइम्स लगाएंगे तो 420 कैंसिल 5 5 2 3 35 और 42 तो 1 टाइम्स लगाएंगे तो 7 कैंसिल आउट, ये क्या होगा 35 तो 75 क्या हो गया 35 एंड फाइनली हमें इसके यहाँ पे फाइंड हो जाता था क्या 7। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ देखोगे यहाँ लिखोगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन
लेमा, ओके, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पढ़ाया आपने, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, जहां फिर से मैं बता रहा हूँ अगेन कि ए क्या करेगा डिविडेंड का वर्क करेगा और बी किसका वर्क करेगा डिवाइजर का और क्यू किसका वर्क करेगा कोसेंट का और आर किसका वर्क करेगा रिमाइंडर का, लिख लो बाबू लिख लो इसको, ओके। तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे वर्क देख लो बाबू, ए जो मैंने क्या बोला कि ए डिविडेंड का वर्क करेगा, तो यहाँ पे बताओ बाबू डिविडेंड कौन है, फोर फोर फाइव है, तो फोर फाइव फाइव इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी किसका वर्क करेगा डिवाइजर का, डिवाइजर क्या है 42 और कोसेंट क्या हुआ 13 और रिमाइंडर क्या हुआ 35, ओके। जब ये वर्क मैंने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक मैंने किया, ठीक है ना, वर्क मैंने किया 445 का 42 10 और 35, और नीचे वाला जो फंक्शन जो आ गया यहाँ भी 35 42 है, इस वाले वर्क का वही सेम वर्क करेंगे जो यहाँ पे मैंने वर्क किया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, तो उसमें मैंने फिर से मैं इसको क्या करूंगा, उसको मैं अरेंज करूंगा, तो क्या 445 इसमें डिविडेंड कौन सा वर्क करेगा 42, तो 42 ये क्या हो जाएगा डिवाइजर क्या है 35, तो 35 और कोसेंट क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 7, ओके। जो वर्क मैंने यहाँ किया फिर वर्क मैंने यहाँ भी करूंगा, ठीक है, फिर क्या है 35 है, इनका डिविडेंड क्या है 35, ओके, और इसका डिवाइजर क्या है 7 मल्टीपल क्या है 5 और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0, क्या आ गया मेरा रिमाइंडर 0, तो बाबू देख लो ये 0 आ गया तो समझेंगे कि ये वाला जो बी वाला जो फंक्शन है वो क्या होगा हमें हमारा एससीएफ होगा, क्या होगा हमारा एससीएफ, देखो ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स ये मत समझोगे कि मतलब ये वाला हमको फंक्शन नहीं करना है ऑन कॉपी पे, आपको एवरी क्वेश्चन पे पहले ये वाले फंक्शन करना है उसके बाद वाले ये वाले फंक्शन करना है, आपको यूक्लिड में लेमा तो फंक्शन ये है, तरीका यही है, वे यही है, बट आप दोनों करोगे, ओके। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, जैसे 445 एंड 42 का हम लोग क्या करेंगे इससे फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल वे पे जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद क्या करना है नॉन यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ओके, जिसमें ए क्या करेगा डिविडेंड का वर्क करेगा, बी किसका वर्क करेगा डिवाइजर का, क्यू कोसेंट एंड आर क्या होगा रिमाइंडर का वर्क करेगा, ओके। बाबू यहाँ पे देखोगे इस वाले फंक्शन में देखोगे तो ये क्या हुआ डिविडेंड तो डिविडेंड, ओके, 42 डिवाइजर तो डिवाइजर, 10 क्या है कोसेंट तो कोसेंट और आर रिमाइंडर क्या हो गया 35, तो जो वर्क हम इसका करेंगे किए हैं उस सेम वर्क इस वाले का भी फंक्शन का हम लोग करेंगे, किसे और करेंगे इस वाले का भी करेंगे 35 42 और 1 का, तो क्या हो जाएगा इसमें डिविडेंड क्या है 42 और डिवाइजर क्या है 35 एंड कोसेंट 1 एंड रिमाइंडर क्या हो गया 7, सेम वर्क हम लोग नीचे वाले में भी करेंगे, क्या है 35 7 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 0, सो हमारा फाइनली फाइंड आउट हो जाएगा एससीएफ इक्वल टू 7 और हमारा यूक्लिड में लेमा क्या हो गया हमारा इन हो गया। मतलब ये फंक्शन मैंने आपको जो टॉपिक कवर मैंने किया था इस वीडियो में, मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने टॉपिक समझाया आपको, इस पर कुछ आप वर्क ले लो और आप उस वर्क को आप घर पे बनाओ, और जब नहीं बने तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो या आप मुझे मैसेज भी आप कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैं इस बार में अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको शेयर करूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो या कॉल भी आप कर सकते हो, ओके। तो आप कुछ वर्क ले लो, हम इसको रफ करते हैं, तो बाबू होमवर्क ले लो, होमवर्क, अगर मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो प्लीज आप उसको करोगे घर पे, ओके, फाइंड द एससीएफ, फाइंड द एससीएफ बाय मेथड ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके। कोई एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई मीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 464, सॉरी यहाँ पे एंड लगा लो आप, ओके, 464। सेकेंड नंबर 196 एंड 38 220, ओके, सेकेंड नंबर 272 एंड
10-32, सेकेंड है 20-32 कर लो, 20-32 एंड क्या कर लो 60-51। ओके, इस चारों क्वेश्चन के आपको क्या करना है, जिस मेथड से मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो आपने जो एससीएफ बचपन से पढ़ते आए हो, पहले उस फॉर्म पे बैठाओगे, उसके बाद यूक्लिडियन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे आप क्या करोगे, आप उस पर पुट करोगे। ओके, और इस सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है, और कोई मैंने फिर से कम्युनिकेशन में बता रहा हूँ कि अगर भाई देखो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन आप शेयर कर सकते हो, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।